दूसरों की उपलब्धि से जिस दिन तुम्हारा मन उसी की बात ही प्रसन्न नहीं हुआ तो ये समझ लो कि सतवृत्तियों का मार्ग छूट रहा है। जिस दिन दूसरों की उन्नति देख गई तुम्हारा मन स्वयं प्रफुल्लित होना ही बंद हो जाए, ये समझ लो कि तुम्हारे मन में पैशाचिक वृत्तियों का निवास आरंभ हो चुका है। जब तुम दूसरे के आनंद को शोक में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने लगते हो तो ये समझ लो कि तुम पिशाच में परिवर्तित हो चुके हो। मेरे प्रत्येक अंश से सृष्टि का कल्याण जुड़ा और सृष्टि के कल्याण के लिए मैं अपने अंशों का परित्याग करता रहा और करता रहूंगा, भले ही उसके लिए मुझे निर्मम और निर्दयी होना पड़े। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को पार होने के लिए कोई भी विकल्प मिल जाए तो उसे धोसी में दिव्यता दिखने लगती है, और कभी किसी व्यक्ति को किसी वृक्ष में दिव्यता की अनुभूति हो जाती है, और कभी कभी किसी पाषाण में शीश स्वतः झुक जाता है। तुम मन में स्मरण करो, मैं सुनता हूं, तुम मन में मुझे पुकारो, मैं आता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम मन को शिवमय बनाते हो तो वही मेरा शांति से परिपूर्ण कैलाश है, वही मेरी सुंदर काशी, वही मेरी उज्जैनी है।